सीतापुर एसओजी एवं थाना महमूदाबाद की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना महमूदाबाद श्रीकांतपुर ग्राम भरहर मऊ पेंतेपुर पुल के पास से थाना मचरेहटा पर पंजीकृत कर वांछित 25-25 हजार रुपए के दो इनामी शातिर अपराधियों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 2 अदद तमंचा, 315 वो, 4 अदद डंडा व 4 अदद खोखा, कुल 8 अदद कारतूस, 315 वो, 1 अदद अपाचे मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट व 28 हजार रूपए नगद बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर अपराधी हैं। अभियुक्तगण द्वारा थाना महमूदाबाद मचरेहटा कमलापुरा में विभिन्न चोरी की घटना की गई थी। टेलो उर्फ गया प्रसाद पर गंभीर धाराओं में करीब 2 दर्जन एवं विनोद पर करीब 1 दर्जन अभियुक्त पंजीकृत किए गए हैं। थाना महमूदाबाद के अंतर्गत पैतेपुर पुलिया के पास में आज पुलिस की एसओजी टीम तथा थाना महमूदाबाद पुलिस की टीम के द्वारा 2 अपराधियों को मुठभेड़ के पश्चात गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों अपराधियों के नाम विनोद पासी व गया प्रसाद हैं। इनके द्वारा एक गिरोह संचालित किया जा रहा था, जिस गिरोह के द्वारा पिछले 1 महीने में जनपद सीतापुर के अंतर्गत कई घटनाएं जिनमें असला लगाकर चोरी किया गया है इस तरह की गई है। वो अभी तक इनसे पूछताछ में इनके द्वारा थाना महमूदाबाद मचरेहटा व कमलापुर में की गई घटनाओं को स्वीकार किया गया है। पुलिस के द्वारा जब इनकी रेकी की जा रही थी तो आज यहाँ पुलिया के पास में रात्रि के समय इनको रोकने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में इन दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। इनके पास से 2 अवैध असले, कुछ जिंदा व दगे हुए कारतूस, इसके साथ में एक अपाचे मोटरसाइकिल व कुछ अन्य सामान बरामद हुआ है। साथ में इनके पास से 25 हजार के करीब नकदी भी बरामद हुई है। इनकी और जमा तलाशी कराई जा रही है। इनके गिरोह के 2 सदस्य जिसमें एक महिला और एक पुरुष है, इनको भी आज दिन में गिरफ्तार किया गया था, जिनको माननीय न्यायालय पहले ही भेजा जा चुका है। उनसे पूछताछ के क्रम में ही इनकी कार्यवाही का ज्ञान हुआ था और ये पता चला था कि ये लोग महमूदाबाद क्षेत्र में सक्रिय है। इनके गिरोह के कुछ अन्य सदस्य भी अभी पुलिस के रडार पर है, जिनको जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस सीतापुर की पुलिस के द्वारा लगातार इस तरह की सख्त कार्रवाई उन बदमाशों के खिलाफ की जाएगी जो लोग जनता में भय फैलाने का कार्य कर रहे हैं। इस पूरी घटनाक्रम में जो टीम शामिल है इनको 25-25 हजार रुपए का इनाम मेरी तरफ से दिया जा रहा है। धन्यवाद।